आपको इंग्लिश में लॉन्ग आंसर लिखना हो गया और आपको लॉन्ग आंसर याद नहीं है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि लॉन्ग आंसर आप छोड़ देते हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी भी नहीं राइट करते हैं, जिससे आपका नंबर कम हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में लॉन्ग आंसर नहीं आते हैं तो क्यों आप किस तरीके से बनाकर लॉन्ग आंसर लिखेंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि जो एग्ज़ामिनर होंगे, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो आपको पूरे के पूरे नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका ऑप्शन आ जाता है 10 पे लॉन्ग आंसर आता है सबसे लास्ट में, इतना ध्यान दीजिएगा इंग्लिश के पेपर में। तो यहाँ पे आपको आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट केवल 60 वर्ड्स में आपको ये आंसर देना होता है, वो भी केवल एक का। दो दिए रहेंगे, एक ऑप्शन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि केवल एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। तो आपको अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहे हैं तो आपको बनाकर लिखना है। तो वो कैसे लिखना है कि आपको पूरा नंबर भी मिल जाए और आप अच्छे से लिख भी लें, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके लिखने का तरीका अच्छा है, लिखावट सुंदर है, तो फिक्स है कि आपका एक नंबर भी कहीं से कटने वाला नहीं है। यहाँ पे हम लेते हैं ए ऑप्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीफ ऑफ द टू द पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए, इसका आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो अब आप किस तरीके से बनाकर लिखेंगे। आपको लेना होगा एग्ज़ाम की कॉपी आपको मिलेगी, और उसके अगर आप चाहें तो आपको जो अच्छे से आ रहा हो, मैं कहूँगी कि वही आपको सबसे पहले पेज पे राइट करना चाहिए जो क्वेश्चन आपको आ रहे हों। आपके एग्ज़ाम की कॉपी कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, फिर आप एक स्केल की सहायता से यहाँ पे डबल लाइनिंग कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डबल लाइनिंग करने के बाद अब देखिए किस नंबर पे है आपका, 10 नंबर पे है, तो आपको ऐसे ही नहीं लिख देना है, इसमें आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 पे है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग आंसर आपका 10 पे है, यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। अब नीचे इसके डबल लाइनिंग कर दीजिएगा कि आपका कॉपी देखने में सुंदर लगे। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे लिखिएगा लॉन्ग आंसर, फिर नीचे लाइनिंग कर दीजिएगा छोटा सा, ताकि कॉपी देखने में सुंदर लगे। देखिए इस तरीके से करेंगे तो आपका लगेगा कि हाँ किस नंबर से है और क्या आप राइट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करने वाले हैं आप, 10 में से दो ऑप्शन दिया रहेगा, तो ए बी, तो कौन सा करेंगे, ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा ए, ठीक। अब आपको अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में आपको आपके क्वेश्चन वर्ड को छोड़ना होगा, ठीक है। उसको छोड़ के ही आपको आगे से राइट करना पड़ेगा, क्योंकि वाई वेन व्हाट, ठीक है, इस तरीके के अगर आपको आगे दिख जाते हैं क्वेश्चन वर्ड तो इसे आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको इतना एक साइड में रख लेना है। अब यहाँ से आपको लिखना आरम्भ करना है, तो यहाँ से आप चलिए स्टार्ट करिए लिखना, अनिल नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, ठीक है। अगर आप इतना आपके क्वेश्चन का ही आप पूरा लिख लेंगे, अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है। अब आपका तो इतना पूरा हो गया, अब इसके आगे आपको बिकॉज लगाना है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि से आपके क्वेश्चन बहुत बड़े आप जितना चाहे उतना राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिकॉज लिखेंगे, बी ई सी ए यू
एस ई, बिकॉज यहाँ पे हो गया। अब हम चलेंगे अपने पेपर पे, और पेपर पे जैसा कि हमेशा दिया रहता है आपके पेपर में पैसेज दिए होते हैं, पैसेज देखेंगे हम किस कहाँ पे है पैसेज। तो ये आपका आता है एक रीडिंग पैसेज। रीडिंग पैसेज में आपको शॉर्ट आंसर राइट करने के लिए भी और लॉन्ग आंसर दोनों राइट करने के लिए भी आपको आंसर मिल जाएंगे। तो एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि पैराग्राफ, आपको एक पूरा पैराग्राफ को छोड़ देना है क्योंकि स्टार्टिंग का नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक पैराग्राफ केवल यहाँ से या फिर आप नीचे से छोड़ सकते हैं, ठीक है। आचलिए स्टार्ट करिए। मोर ओवर से आप राइट कीजिएगा कितने वर्ड, ध्यान दीजिएगा ओनली 60 वर्ड में आपको राइट करना है। तो आप पूरा या तो फिर आप इट इज के पास से स्टार्ट करिए और पूरा लास्ट तक लिख दीजिए, ठीक है। मीन्स जब भी आप लेंगे पैसेज को तो एक या फिर दो पैराग्राफ छोड़ के ही लॉन्ग आंसर को लिखना स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे लॉन्ग आंसर 60 वर्ड में राइट कर लीजिएगा, कहाँ से, पैसेज में से, ठीक है, पैसेज से उठा के, यानी कि रीडिंग से। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि आपके जो एग्जामिनर होंगे एक नंबर भी नहीं कट करेंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतनी सारी कॉपियां होती हैं कि उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है कि वो पढ़ के आपकी कॉपी चेक करें। इसलिए आप इस तरीके से अगर आप लॉन्ग आंसर बनाकर लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। हाँ, ध्यान रहे कि हर एक वर्ड के बीच में एक पेन का गैप होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी कॉपी जल्दी भरेगी और आपका राइटिंग सुंदर होना चाहिए। मेरा कुछ खास नहीं है, इस पर मना चाहिएगा आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लॉन्ग आंसर को बनाकर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जिससे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 5 में 5 नंबर मिल सकता है।